तो दोस्तों, अगर आप भी भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जाने वाले मुकाबले को लेकर के काफ़ी ज़्यादा उत्साहित हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। तो आखिरकार भारत की वो कौन सी प्लेइंग 11 है जो कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हमें खेलती हुई नज़र आने वाली है, तो चलिए डालते हैं नज़र। लेकिन उससे पहले आपसे हमारी छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि हम आपके साथ पूरे वर्ल्ड कप में बने रहेंगे। तो दोस्तों, हम सबको पता है कि सुमन गिल पहले मुकाबले से बाहर रहने वाले हैं, क्योंकि सुमन गिल कोई तबीयत इस वक्त फ़िलहाल ठीक नज़र नहीं आ रही। सुमन गिल पहले मुकाबले के लिए बाहर रहने वाले हैं, क्योंकि ये आपको पता है कि राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा ने ऐसा ऐलान कर दिया है कि सुमन गिल पहले मुकाबले में बाहर रहने वाले। तो ऐसे में भारत के पास अब चांस बचता है कि आप दूसरे नंबर पर ईशान किशन को रोहित शर्मा के साथ ओपनिंग करते हुए देख पाओगे। लेकिन अगर बात करें तीसरे नंबर पर, तो तीसरे नंबर पर कोई शक नहीं कि आपको विराट कोहली खेलते हुए नजर आने वाले। लेकिन अगर बात कर चौथे नंबर की, तो चौथा नंबर जो काफ़ी ज़्यादा एक सस्पेंस भरा था, लेकिन आज रोहित शर्मा ने क्लियर कर दिया है कि चार नंबर पर ईशान किशन आपको खेलते हुए नज़र आने वाले हैं। तो वहीं अगर हम बात करें पाँचवें नंबर पर, तो पाँचवें नंबर पर कोई शक नहीं कि केएल राहुल आपको खेलते हुए दिखने वाले हैं। लेकिन बात करते हैं हम उसके बाद ऑलराउंडर और स्पिनर गेंदबाज और तेज गेंदबाज पर। सबसे पहले हम बात करेंगे ऑलराउंडर की, तो ऑलराउंडर की भूमिका में आपको हार्दिक पांड्या और रविंद्र जडेजा नज़र आने वाले। हार्दिक पांड्या ने बीते दिनों जिस प्रकार का क्रिकेट खेला है, चाहे गेंद से हो या फिर बल्ले से, गजब का कॉन्ट्रीब्यूट किया है। हार्दिक पांड्या ने अपने खेल में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट किया है। हार्दिक पांड्या 140 की स्पीड से बॉल भी डाल लेते हैं और ज़रूरत पड़ने पर आपको 60-70 रन किसी भी रन गति से बनाने की क्षमता रखते हैं। हार्दिक पांड्या का यह बैलेंस कहीं ना कहीं टीम इंडिया को बेहद ही मजबूत करता है। वहीं बात करें रविंद्र जडेजा की, तो रविंद्र जडेजा ने भी बीते दिनों हालांकि उतनी अच्छा बल्ले से नहीं किया, लेकिन बॉल से वो गजब कर रहे। हार्दिक पांड्या के साथ रविंद्र जडेजा का ये बैलेंस भारत को कहीं ना कहीं दो एक ऐसे ऑलराउंडर जो आपको एंड में आकर के तेज गति से रन बनाने की क्षमता रखते हैं। लेकिन अगर हम बात करें कुलदीप यादव भी गजब की फॉर्म में चल रहे। बीते कुछ दिनों से हम देखें तो हर मुकाबले में बेहतरीन गेंदबाजी का नमूना पेश किया कुलदीप यादव ने भी। लेकिन कुलदीप यादव अकेले नहीं, उनके साथ इस मुकाबले में आर अश्विन भी खेलते हुए नज़र आ रहे हैं आपको, क्योंकि भारत ने ऐसे मुकाबले में तीन स्पिनर गेंदबाज खिलाने का ही फैसला कर लिया है। लेकिन बात करें अगर हम तेज गेंदबाजी की, तो आपको मोहम्मद शमी तो इस मुकाबले में नहीं देखेंगे, लेकिन मोहम्मद सिराज आपको इस मुकाबले में देखने को मिल सकते और उनके साथ बम बम बुमराह तो रहेंगे ही। तो कुछ इस प्रकार से टीम आपको आज मुकाबले में खेलने वाली है। लेकिन देखना हुआ कि भारत क्या ऐसे प्लेइंग 11 से ऑस्ट्रेलिया जैसी धाकड़ टीम को वर्ल्ड कप के इस बड़े मुकाबले में हरा पाएगी या नहीं, अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाक से कर लीजिए, क्योंकि पूरे वर्ल्ड कप में हम आपके साथ रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।